डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास टेंथ हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 12.3 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 नंबर तक के हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आकृति 12.33 ये नज़र आ रहा है, आकृति ये 12.33 है। इसमें आपको दिख रहा होगा ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ए से लेकर सी तक की त्रिज्या, ए से लेकर बी तक की दूरी, सॉरी ए से बी तक की दूरी, ए से सी, ए से त्रिज्या है कितनी सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश है और चतुर्थांश रहता है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तथा बीसी एक व्यास है, ये देखिए बीसी एक व्यास है, इस व्यास से एक अर्धवृत्त बनाया गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले भाई ये एक ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे नाम दे देते हैं ई, ठीक है नाम है, बस समझने के लिए अपने खुद से दिए हुए हैं। सबसे पहले चतुर्थांश है तो थीटा का वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 90 डिग्री। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है भाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको पता चल रहा है यहां पे ये भी दिया है कि बीसी क्या है, बीसी कॉमा अर्धवृत्त बीईसीबी, अर्धवृत्त कौन कौन, बीईसीबी का व्यास है, ध्यान दीजिए बीसी क्या है तो व्यास है, किसका किसका व्यास है भाई, तो बीईसीबी का व्यास है। तो जब व्यास है तो ई वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां से यहां तक त्रिज्या चाहिए, तो आप त्रिभुज एबीसी में आप चलिएगा सबसे पहले, तो यहां होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे क्या है बीसी का स्क्वायर बराबर लंब है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि आधार भी 14 है लंब भी 14 है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 9 और 196 और 196 196 मिलकर 12, 392 राइट आंसर, क्योंकि 6 6 12 के दो हाथ में एक, 9 9 18 19 के 9 हाथ में एक, 392, ठीक है। और बी सी का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कितना होगा, इसलिए बी सी बराबर रूट में जाएगा ना 392, 392 रूट हो गया, ठीक है। अब 392 का रूट हो गया हम लोगों को, अब यहां से हमको बीसी पता चल गया कि व्यास हमको है, इसलिए डीसी, सॉरी डी तो इसको माने है ना, यहां पे मान लीजिए पी, ठीक है, तो पीसी मिल गया, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल गया कितना भाई, जिसको पीसी बोल रहे हैं रूट अंडर 392/2, ठीक है इतना सेंटीमीटर। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे वो समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देख लो भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले टोटल निकालिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा निकाल लीजिए, पूरा क्षेत्रफल निकाल के और ये वाला त्रिज्यखंड वाला को घटा लेंगे, समझ रहे बात को, त्रिज्यखंड वाला को घटा लेंगे तो हम लोगों को ये वाला छायांकित निकल जाएगा, हम क्या बोल रहे हो समझिए,
निकाल कर, ए बी ई सी ए, पूरा का निकाल कर ए बी डी सी ए, यानी कि ये वाला त्रिज्यखंड, खाली वाला भाग इसको घटा लेंगे तो छायांकित वाला निकल जाएगा। तो अब पूरा के कैसे निकालेंगे, तो पूरा का निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज का और ये अर्धवृत्त का दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का नाम क्या है, तो बी ई सी बी, बी ई सी बी का क्षेत्रफल माइनस, माइनस कर लेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा, ए बी डी सी ए बी डी सी ए का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुने आधार कितना है भाई त्रिभुज का, 14 गुने 14 प्लस 1/2, इसमें तो पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो कितना रखेंगे भाई 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो देखो अर्धवृत्त के लिए है ना ये, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हम निकाले हैं √392/2 का होल स्क्वायर, माइनस थीटा कितना है 90/360 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो ये वाला थीटा के लिए आर कितना है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री है, इसके वजह से आर 14, तो 14 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अलग से सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको अलग से सॉल्यूशन कीजिएगा, और याद रखिए √392 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो खाली 392 होगा और 2 का स्क्वायर नीचे 4 होगा, और इसका सॉल्यूशन करना है ये दोनों के जोड़ के, और फिर इसको सॉल्यूशन करके घटा देना है, तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। क्या करना भाई, इसका सॉल्यूशन मतलब 2 × 7 = 14, मतलब इसका गुना भागा कर लेना है, प्लस का प्लस छोड़ दीजिएगा, 1/2 गुने 22/7 गुने ये √392 है, तो √392 का स्क्वायर क्या होगा, तो खाली 392 और बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होगा नीचे 4, और इधर वाला 22/7 1/2 रहेगा, इसके साथ गुना कर लीजिएगा, कुछ कटेगा तो कटा देना है, और माइनस, क्यों हम √392 का स्क्वायर 392 बोल रहे हैं, इसलिए ना भाई कि रूट में कोई 5 रहता है उसका स्क्वायर रहता है, तो खाली 5 लिखते हैं, ठीक है, और नीचे तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो दोनों को जोड़ करके और इसको माइनस कर लेना है, याद रखिए यहाँ 14 का स्क्वायर है, तो 14 × 14 दो बार कीजिएगा, तो इससे कुछ ना कुछ कटेगा और कट छंट के फिर हम लोगों का आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज यानी कि 12.3 के लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। अब दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके हैं, हम फिगर यहाँ पे बना लिए हैं ताकि फिगर बनाने में टाइम ज़्यादा न लगे वीडियो शूटिंग के दौरान। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, आकृति 12.34 यानी कि 3/4 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देख लीजिए ये आपको फिगर है, 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग के अंदर दो गो ऐसे करके चतुर्थांश बनाया गया है। देख लो भाई, अगर हम ऐसा अगर बात करें तो एगो चतुर्थांश इधर वाला हो गया, अगर इधर से करें तो इधर थीटा वाला 90 डिग्री चतुर्थांश हो गया, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, तो चतुर्थांश जैसे ही बोला तो हम लिख लिए थीटा 90 डिग्री, क्लियर। अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे यूज कर सकते हैं आर का मान 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग कैसे करेंगे भाई, ये कोना कोनी जो है इसको इसको ना मिला देंगे,
ये कोना कोनी को हम लोग मिला देंगे। अब जो कोना कोनी को मिला देंगे तो देखिए हम लोगों को बात कैसे बनेगा। पहले था एक वर्ग, फिगर से समझिए, दूसरा फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे ऐसे था, एगो त्रिज्यखंड इधर बन गया और ए सॉरी चतुर्थांश इधर बन गया, और ये कलर किया हुआ है, मतलब बीच में डिजाइन बनाया है। यही डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है, या तो बोलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यही छायांकित है। हमने क्या किया, इसको बीचे बीचे मिला दिया, ठीक है। इसका नाम रख दिया ए बी सी डी, इधर वाला का नाम ई और इधर वाला का नाम एफ, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए गो का निकाल रहे हैं। देख लो सी डी ई बी एक तरह का क्या है, चतुर्थांश है। इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका निकाल के इस त्रिभुज वाला को घटा लेंगे तो इसका सिर्फ निकलेगा, ठीक है। और इसी को अगर दो से गुना कर देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का निकालने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां से लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो से गुना कर देंगे। और दो से गुना कैसे भाई, तो दो से गुना कर देंगे पहले सी डी ई बी के क्षेत्रफल, सी डी ई बी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे किसको भाई, तो त्रिभुज सी बी डी। सी बी डी ऐसे बन रहा है ना एक त्रिभुज, यहां तो 90 डिग्री है, तो त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। ध्यान रखिए सी डी ई बी कौन हुआ, तो सी डी ऐसे ई बी का क्षेत्रफल, सी डी ई बी का क्षेत्रफल हो गया, एक तरह का चतुर्थांश हो गया। और माइनस त्रिभुज सी बी डी, तो सी बी डी यानी कि बीचों बीच हम जब मिलाए हैं तो सी बी डी एक तरह का क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज को पूरा में से अगर त्रिभुज को घटा लेंगे तो ये वाला बनेगा, और इसी को अगर दो से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो चलिए दो गुने, कोई भी चतुर्थांश रहता है या त्रिज्यखंड रहता है तो थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, माइनस त्रिभुज सीबीडी। सीबीडी का मतलब सीबीडी एक तरह का त्रिभुज है जिसका फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब यहाँ 2 गुने थीटा कितना, तो 90 क्योंकि चतुर्थांश है, 360। पाई कितना भाई, 22/7 क्योंकि कुछ नहीं बोला है। आर स्क्वायर, तो आर तो त्रिज्या वही ना होगा, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, माइनस 1/2 गुने आधार भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है। देख लीजिए आधार 8 ऊंचाई 8, किधर से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। अब क्या करना है आपको, यहां से ना पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लेना है, पहले इसको करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, जितना आएगा, फिर माइनस इसका कीजिएगा जितना आएगा, पहले दोनों को घटा लेना है, घटाने के बाद जो आएगा तब दो से मल्टीपल करना है। तो दोस्त इतना काम आपको खुद से करना है और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग 12.3 एक्सरसाइज को खत्म कर लिए हैं। यू बोले तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ लिया है। अब उसके बाद अगर बात करें तो ये 12 के बाद हम लोगों का चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये एनसीईआरटी के 13वां चैप्टर में है। तो इस 13 वाले चैप्टर को हम अगले दिन से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जो फार्मूला होगा, जो भी थ्योरी होगा, उसको हम अगले दिन बताएंगे। और उसके बाद इसमें अगर एक्सरसाइज का बात करें तो 13.3 तक की एक्सरसाइज है, और लगभग इसमें क्वेश्चन का समय का बात करें तो कम से कम 8 से 10 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 12 दिन, लगभग 10-12 दिन में ये चैप्टर पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं अगले क्लास में मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।